सम्मान्य उपसभापति महोदय, सदन में होली के बाद आज दिल्ली की हिंसा पर चर्चा हो रही है और जब ये सदन प्रारंभ हुआ था तब सरकार के द्वारा ये कहा भी गया था कि सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा से, लोगों की जानकारी से सबको अवगत कराना चाहती है, लेकिन चर्चा होली के बाद हो। और मैंने सोचा कि होली देश में सद्भाव का त्यौहार है, हम सब लोग एक अच्छे मन से, एक सद्भाव से, एक विश्वास से और एक देश की जनता को आश्वासन देने के नाते चर्चा को करेंगे। मेरे मित्र डैरिक आज चले गए, मैंने आज सुबह ही उनका लेख पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने उनको कहा कि आपने और विपक्ष ने, आप ये लिखते हैं कि सरकार चर्चा नहीं चाहती थी, सदन चलने नहीं देना चाहते थे, आप सोशल मीडिया पे अपना भाषण ट्वीट कर रहे थे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब ये सदन प्रारंभ हुआ तो 267 में नोटिस आपका था, चेयरमैन साहब की रूलिंग थी, बार बार कहा जा रहा था कि चर्चा अवश्य होगी। आज जब आप देश के नौजवानों के लिए प्रश्न उठा रहे हैं तो देश के नौजवानों के लिए चलने वाली संसद को रोकने का काम यह आपने किया। और इतना ही नहीं किया, लगातार टीएमसी के सांसद यहां वेल में आए, टीएमसी के और इसलिए टीएमसी के सांसद वेल में आए और ये जो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी सरकार की है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने भी अनोखा सितम इजाद किया, आशिया को फूंक के और पानी को बहुत याद किया। आप ही जलाने वाले और आप ही बाद में पानी को याद करने वाले, आप ही संसद को बंधक बनाने वाले। सबसे पहले इस देश में यह तय होना चाहिए कि संसद बहस का स्थान बनना चाहिए, संसद को रोकना यह विपक्ष का काम नहीं है। अब संसद में बहस होनी चाहिए और इसलिए आज कांग्रेस के लोग बहुत अच्छे तरीके से संविधान को पढ़ रहे थे। कपिल सिब्बल साहब ने आईपीसी के सेक्शन 53 को पढ़ा, हमें फंडामेंटल ड्यूटी 153 है, हमें फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल 51A आपने पढ़ाया, बाकी लोगों ने भी संविधान को पढ़ा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं सिब्बल साहब, इतना ही ईमानदारी से आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ के लोगों को बता देते तो इस देश का भला जरूर होता। यह हमारी जिम्मेदारी थी, ये एक प्रतिनिधि होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश की जनता को सही बात बताएं। वो हम नहीं बताएंगे। और हमारी सरकार ने क्या किया, मैं आज आपको यह पूछना चाहता हूं कि भारत में सरकार स्थायी होती है, सरकार बीजेपी की हो, सरकार कांग्रेस की हो, सरकार किसी पार्टी की हो, वो भारत सरकार होती है। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि 1950 का जो नेहरू जी का और लियाकत जी का पैक्ट हुआ, उसमें यह लिखा गया था कि पड़ोसी देशों को विभाजन के बाद अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करनी होगी। आज अगर हमारे पड़ोस के देशों के अल्पसंख्यकों की मानवीय जीवन की गरिमा पर प्रश्न उठे हैं तो उस संकल्प को पूरा करने का काम यह हमारी सरकार ने किया। यह मानवता का काम है। कैसे लोग एक लंबे समय तक धार्मिक प्रताड़ना के शिकार होते रहे, पड़ोस के देशों में अल्पसंख्यक अपने जीवन को दूभर तरीके से जीते रहे, लगातार वो हिंदुस्तान में आते रहे। और ये हिंदुस्तान तो वो आवाज है कि जब श्रीलंका में हमारे तमिल भाइयों पे अत्याचार हुआ तो उनको भी सम्मानपूर्वक जीवन जीना देने का अधिकार ये भारत ने दिया है। दुनिया में कहीं भी धार्मिक रूप से प्रताड़ना हुई है तो उनको जीवन जीने देने का अधिकार ये भारत ने किया। आखिर क्यों हम ये सच की राजनीति नहीं करना चाहते, आखिर क्यों हम झूठ की राजनीति कर देश की जनता को बार बार भरमाना चाहते हैं? मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि संसद के कानून को बंधक बनाना,
संसद के कानून को रोकने का काम करना, और सबसे बड़ी बात, भारत की परंपरा के आधार पे अगर धार्मिक रूप से पीड़ित व्यक्ति भारत में शरण मांगता है तो दुनिया के सब धर्मों का एक उचित स्थान बनने वाले भारत ने काम किया है, तो इस सच को आपको बताना चाहिए। आज लड़ाई सच और झूठ की है, और इसलिए नागरिकता संशोधन कानून के जिस विरोध के विषय को आप लोगों ने शुरू किया, उस विरोध के विषय के कारण देश में भ्रम फैला, और इसलिए जो सारी दिल्ली की हिंसा हुई है, मैं मानता हूं उसकी 5 बड़े कारण हैं। इस हिंसा के षड्यंत्र को जानने के लिए उन 5 कारणों को जानना होगा। मेरा पहला विषय है कि यह समय क्यों, कौन सा चुना गया था, यह समय जानबूझकर क्यों चुना गया था, जो भारत के गौरव का क्षण था, जो भारत के आगे बढ़ने का क्षण था, जो भारत के विश्व के मानचित्र पर अपने देश की मर्यादा, विषय और भूमिका को आगे बढ़ाने का समय था, उस समय को जानबूझ करके क्यों चुना गया। दूसरा, उस समय पर एक नियोजित तरीके से हिंसा करना, ये अपने आप में एक गहरी साजिश थी। तीसरा, जिन्होंने भी पत्थर फेंके, जिन्होंने भी बम फेंके, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आनंद शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही, हम भी अपने घर में धर्म ग्रंथ रखते हैं, बाहर हम संविधान की शपथ ही खाते हैं, इस संविधान के लिए जीने का काम करते हैं। और ये सरकार ने जब शपथ ली तो देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले संविधान को नमन किया, उसके बाद शपथ ली। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि जो पुलिस का सिपाही, जिसका सबसे पहले विभत्स तरीके से जिसको मर्डर किया गया था, क्या उसके कंधे पर भारत के संविधान का निशान नहीं लगा हुआ था? क्या मारने वालों को यह पता नहीं था कि वो अपने कंधे पे भारत के संविधान की शपथ लेकर आया है? क्या हम उसकी निंदा नहीं करेंगे? और जिन्होंने भारत के संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति पर हमला करने का प्रयास किया है, मैं कहता हूं उन्होंने सबसे बड़ा देशद्रोही का काम किया है, उसकी निंदा करने का काम हम सबका काम है। सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? और इसलिए जब मैं कहता हूं कि गहरी साजिश है, तो गहरी साजिश का अर्थ है उसी को निशाना क्यों बनाया गया, और ना केवल निशाना बनाया गया, कितने घाव किए गए। एक मनुष्य के दर्द की सीमा होती है, चाहे देश की सेना पर खड़ा हुआ, सीमा पर खड़ा हुआ हमारा सेना का जवान हो, और चाहे ट्रैफिक रोकने वाला हमारा पुलिस का सिपाही हो, वो देश की कानून और व्यवस्था, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, उसका प्रतिनिधि करने वाले लोग होते हैं, और उसके 400 घाव किए गए, और जो बचाने गया एक और सिपाही रतनलाल, उसकी भी हत्या की गई। ये दंगा नहीं, ये गहरी साजिश थी। और निश्चित रूप से गृह मंत्री जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया है, हम ये मानते हैं सच्चाई की जांच होगी और ये चीज एक दिन सामने जरूर आएगी। इसलिए जब समय को चुना गया, गहरी साजिश को किया गया, इसके करने वालों की तैयारी पूरी थी। बहुत सारे बयान हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी दिए हैं, और मैं तो कहना चाहता हूं कि प्रकाश जी ने भी जो दिए हैं उस प्रकार से अगर सही चीज है तो सब लोगों को यहां पर देनी चाहिए। सच्चाई की जांच जरूर इस सरकार के माध्यम से होगी, लेकिन जिन्होंने तैयारी करी उनकी तैयारी पूरी थी, और उसके बाद दिल्ली में अफवाहों का बाजार गर्म किया गया। और अफवाहों का बाजार कैसा गर्म किया गया? लगातार अनेक तरह के संदेश आए। मैं जानता हूं, मेरा ड्राइवर 15 साल से मुसलमान है, उसने मेरे को कहा साहब रात भर जगा, मैंने कहा क्या बात हुई? अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा था। मुसलमान के मन में नहीं था, लेकिन मुसलमान के मन में शक की सुई भरने का काम एक साजिश के तहत किया जा रहा था। वो लोग देश के प्रति देशद्रोही हैं, उन लोगों को ध्यान में पकड़ना चाहिए जिन्होंने दिल्ली को अफवाहों के बाजार से गर्म किया और इसको चिंगारी लगाने का काम किया। मैं तो बधाई देना चाहता हूं, 84 का भी समय हमने देखा है, दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में हमने देखा है, पटौदी में हमने सिखों के घर जलते हुए देखे जो दिल्ली से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर थे। मैं तो बधाई देना चाहूंगा गृह मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को कि 36 घंटे के अंदर इस पर एकदम नियंत्रण करके दिल्ली की कानून व्यवस्था को कहीं से खराब नहीं होने दिया। और पूरी चर्चा में मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक भी सकारात्मक सुझाव नहीं। आखिर
सकारात्मक सुझाव देने का भी काम किसका है? यह हम सबका है, यह हम सबका माने पूरे सदन का काम है। लेकिन पूरी चर्चा के माध्यम से एक चीज जो जरूर ध्यान में आ रही है कि एक लगातार झूठ के नाम पर झूठ चलाया जा रहा है। लेकिन मामला केवल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तक नहीं है। इस देश में जब भी चर्चा होती है, किसी भी प्रमुख विषय पर चर्चा होती है, तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स जानना भी जरूरी है। लंबे समय तक एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस देश में सेक्युलरिज्म का खड़ा किया गया, मानो यह लगता है कि कांग्रेस सेक्युलरिज्म की चैंपियन है। आप शिवसेना के साथ भी चैंपियन है, आप मुस्लिम लीग के साथ भी चैंपियन है। आप जो कहो वो सेक्युलरिज्म, जो बाकी दूसरे का है वो सेक्युलरिज्म नहीं है। आपको सेक्युलरिज्म का मूल समझना चाहिए। इस देश के सेक्युलरिज्म का मूल इस देश का अध्यात्म है। और वो क्यों है कि गांधी जी जब दिन की शुरुआत करते थे तो वैष्णव जन की प्रार्थना से करते थे। अंबेडकर समता का भाव ढूंढते थे तो बुद्ध के भाव में ढूंढते थे। राम मनोहर लोहिया अगर इस देश का सांस्कृतिक उत्थान चाहते थे तो रामायण मेले के माध्यम से चाहते थे। इस देश की संस्कृति को गाली देना सेक्युलरिज्म नहीं है, इस देश के अध्यात्म को आगे बढ़ाना सेक्युलरिज्म है। आपने सेक्युलरिज्म की गलत व्याख्या करी। 70 साल तक आपने सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को बंधक बना के रखा, क्योंकि आपकी महिलाओं को अधिकार नहीं देंगे सेक्युलरिज्म है, आपको पानी नहीं देंगे सेक्युलरिज्म है, आपको गरीबी में रखेंगे सेक्युलरिज्म है, आप हमें वोट दो, इस वोट बैंक के कारण देश का नुकसान हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हमने सेक्युलरिज्म की अवधारणा को सही अर्थों में देने का काम किया है। और जो हमारा सेक्युलरिज्म है वो हमारा सेक्युलरिज्म है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यह सेक्युलरिज्म है, यह सेक्युलरिज्म है। इस सेक्युलरिज्म को लेकर के हम आगे चलेंगे। और इसलिए मेरा यह कहना है कि आपको समाधान पर शक नहीं होना चाहिए। आपने संसद नहीं चलने दी, आपने रूलिंग को नहीं माना, रोज बेल में आए, ठीक है, आपके पास विपक्ष के नाते सारे विषयों को करने का अधिकार है, सरकार का प्रतिरोध कर सकते हैं। लेकिन बार बार हमसे पूछते हैं, उधर से भी पूछते हैं, बीच से भी पूछते हैं, जावेद भाई पूछ रहे थे कि आप इनका नाम ले रहे हो, उनका नाम ले रहे हो, पर हम ये कह रहे हैं भाई आप दंगे की बात करते हो और हमें कहते हो, पर भाई बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लोग पूछेंगे कि आखिर 47 से लेकर 64 में राउरकेला का हुआ, या 67 में रांची का हुआ, या 69 में अहमदाबाद का हुआ, सब जगह तो कांग्रेस की सरकारें थी, सब जगह तो कांग्रेस की सरकारें थी, तो 50 साल तक लगातार आपने देश को सेक्युलरिज्म के नाम पर एक राजनीति का शिकार बना के रखा। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दंगे में या दिल्ली की हिंसा में हमारा और इस सदन का दायित्व, इस देश की हर पॉलिटिकल पार्टी का ये दायित्व है कि इस देश के अंदर शांति और अमन का माहौल कायम हो। लेकिन मैं दुर्भाग्य किसे कहना चाहता हूं कि ये परेशानी क्यों है आपको? लोकतंत्र में अनेक विचार हो सकते हैं, लोकतंत्र में आप अपने विचारों से जनता को अवगत करा सकते हैं। लोकतंत्र का मिजाज कभी राष्ट्र विरोधी नहीं होता, बल्कि बहुविचारवादी होता है। जब ये बहुविचारवादी विचार है तो इसमें आर पार की लड़ाई कहां आती है? ये कौन सा विचार है, ये कौन सा विचार है? दूसरे विचार को सम्मान देने वाला विचार नहीं है। और मैं बताऊं आपकी परेशानी क्या है, परेशानी यह है कि लोकतंत्र में किसी भी चुनाव में जय और पराजय का जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, वो विचार होता है। 2019 के चुनाव में देश की जनता ने राष्ट्र जय और आत्मगौरव के विचार के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा मौका दिया। ये आपकी परेशानी का कारण है। और आज मैं फिर कहना चाहूंगा कि हम सबका दायित्व है कि देश के संविधान को सही तरीके से पढ़े, देश की सरकार के निरंतरता के स्वभाव को सही तरीके से पढ़े। ये देश दुनिया में पंथ निरपेक्ष होने के साथ साथ सभी विश्वासों को, सभी मूल्यों को, सभी धार्मिक मान्यताओं को, सभी आस्थाओं को, सभी विश्वास पूजा पद्धतियों को ये देश स्वीकार करता है। ये इस देश की अंतरात्मा में जुड़ी हुई चीज है।
और इसलिए क्यों हम इस सच को बार बार रोकना चाहते हैं कि जहां पर इस प्रकार का न्याय है और हमारे पड़ोस के देशों में अगर इस प्रकार का न्याय है तो उनको गरिमापूर्ण जीवन देना यह हमारा काम था। और कानून बनाने का अधिकार संसद को है, संसद के कानून को न्यायपालिका जांच कर सकती है। और आज जब मामला भी न्यायपालिका में है तो विपक्ष के लोगों के द्वारा क्यों इस पे बार बार इस सच्चाई को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस देश का सबसे बड़ा जो मनोबल है वो मनोबल इस देश की सुरक्षा एजेंसियों का है। और दिल्ली में इस प्रकार की वारदात होना, दिल्ली में इस प्रकार की वारदात के द्वारा एक तरह का मिथक खड़ा किया जाना और एक प्रश्न खड़ा किया जाना बार बार इस देश में जो सो कॉल्ड लिबरल लोग हैं उनको मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप इतनी बात करते हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि देश के किसी लिबरल ने जाकर के शाहीन बाग में कहा हो कि भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है। क्या यह चर्चा का विषय नहीं है? क्या किसी के जीवन का गरिमापूर्ण तरीके से जिसका जीवन का अधिकार छीना गया है उसके प्रति संवेदना जताना क्या यह हमारा काम नहीं है? क्या उस विषय पर मौन रह जाना हमारा काम नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है जिनकी नागरिकता जा नहीं रही, जिनकी नागरिकता पे किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, जिनकी नागरिकता को सरकार ने बार बार कहा है और सरकार के द्वारा हर चीज में पूरी तरीके से स्पष्ट किया है इसका भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं जाए, फिर भी उसके आधार पे एक भ्रम का वातावरण खड़ा किया जा रहा है। और भ्रम के वातावरण का सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम हुआ है वो दिल्ली की हिंसा हुई है। आपको यह समझना होगा कि दिल्ली की हिंसा के मूल में केवल उस दिन की हिंसा नहीं है, लगातार उन विचारों को खड़ा करना है जो संसद के द्वारा गए पारित किए गए एक कानून के प्रति जनता को गलत तरीके से गोलबंद करने का नतीजा है। और इसलिए आज मैं अपने विषय को यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली ने इस दर्द को झेला है, सरकार ने उस पर तुरंत मरहम भी लगाई है, सरकार ने कानून व्यवस्था को एक तरीके से सक्षम तरीके से संभालने का काम भी किया है। इसलिए हम सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं कि एक निश्चित समय में दिल्ली को उन्होंने पूरे तरीके से शांतिपूर्ण और अमन के माहौल में दिया है। लेकिन मैं आपको अंत में अपनी तरफ से कहना चाहता हूं और मैं इस पूरे सदन को कहना चाहता हूं कि शहर के बंद रहने से कई चूल्हे नहीं जलते, ना हो ऐसा कभी ऐसी इशारत कीजिए, अगर ना कर पाए तो इतनी इनायत कीजिए, दिलों में फूट की ना अब शरारत कीजिए, बड़ी मुश्किल से अमन चैन की तस्वीर पाई है, यही कायम रहे ऐसी वकालत कीजिए। धन्यवाद।